नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। जौनपुर में डेंगू अपना पैर पसारता जा रहा है। इस बीमारी का कहर इतना तेज है कि अब तक एक डॉक्टर, डेढ़ दर्जन से ज्यादा सिपाही समेत 26 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। सभी का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज तो बदलापुर इलाके के हैं। हालांकि जिला मलेरिया अधिकारी इन बीमारी जो बढ़ रही है लगातार, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इन बीमार लोगों को संभावित डेंगू के मरीज मान रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई है। बारिश थमने के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। लोगों का कहना है कि नालियों की साफ सफाई ना होने, फॉगिंग ना होने से डेंगू के मच्छरों की भरमार हो गई है। वहीं संभल में ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करते चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोर की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चोर की लाइव पिटाई का वीडियो ग्रामीणों ने चोर की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया है। असमौली थाना क्षेत्र के ग्राम खानपुर बंद का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। संभल में सुनसान पड़े मार्केट में नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। नवजात के रोने की आवाज पर खेत पर जा रहे ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। चाइल्ड वेलफेयर केयर को पुलिस ने नवजात शिशु मिलने की सूचना दी। ग्रामीण शिशु की देखभाल कर रहे हैं। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। कैला देवी थाना इलाके के गाँव सौधना का ये पूरा मामला। वहीं संभल पुलिस ने सोने की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से 21 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया है। तस्करों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार है। तस्कर दुबई से सोने के बिस्कुट यहां लाकर बेचने का काम करते थे। पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने तस्करों की ऋतुपुरा शाहपुर डसर बस अड्डे के पास गिरफ्तारी की है। संभल के अहमदनगर थरेसा में हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर 3 लोग झुलस गए। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, साथ ही एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हादसा पानी का नल उखाड़ते समय हाईटेंशन लाइन से सरिया छू जाने से हुआ। घटना की सूचना पाकर मृतक परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। शाहजहाँपुर महानगर के एक नामी गिरामी जी सर्वियर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से निकाले गए कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। राजेंद्र के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें फैक्ट्री के प्रबंधक तंत्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैक्ट्री मालिक के बेटे ने इस मामले में कुछ जानकारी न होने की बात कही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। बिजनौर के मंडावर के दर्जन भर गांव में पहाड़ों की बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं और कई ऐसे भी हैं जो अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। साथ ही गांव की सड़कों में गंगा का कई फीट पानी घुस गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट भी किया। पुलिस ने मंदिर मस्जिदों में ऐलान करवा दिया है कि लोग गंगा पार ना करें। बाढ़ के हालात की वजह से ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारे की दिक्कतें भी हो रही हैं। सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर एक महिला ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सितारगंज पुलिस ने व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता के साथ अन्य 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सितारगंज के व्यापारियों ने खटीमा चौराहे पर एक हॉल में मीटिंग की, जिसमें व्यापारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए महिला
महिला की तरफ से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जब शहर का व्यापार मंडल अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं तो आम व्यक्तियों या व्यापारियों के साथ कुछ भी हो सकता है। वही व्यापारियों ने अध्यक्ष के समर्थन में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सितारगंज कोतवाली का घेराव भी किया। मेरे पत्रकार साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मेरा मित्र अपनी बाइक से जा रहा था, उसका स्टैंड उस पर लगा हुआ रह गया था। जब उसने चौराहे पर अपनी बाइक मोड़ी है तो उसकी जो बाइक के साइड में जिससे पकड़ते हैं मुठ्ठा, शायद किसी महिला को टच कर दिया था, तो उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसने तब भी अपनी बाइक वहीं पर खड़ी करी और दोनों मियाँ बीवी ने, शायद मियाँ बीवी हैं या कोई और रिश्ता है वो तो वही जानते होंगे, उन दोनों ने झाड़ू से और छाते से मेरे साथी को मारना प्रारंभ कर दिया। जब मैं वहाँ घटनास्थल पर जैसे ही पहुँचता हूँ, हो हल्ला जब होता है तो वो उसको झाड़ू और छाते से पीट रहे थे। मैंने तत्काल वहाँ पहुँच करके और झाड़ू हाथ से छीन करके नाली में फेंकी है और मैंने उनसे कहा कि आज त्यौहार का, जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व का दिन है और आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। रामनगर के विहार थर निवासी 19 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में तैनात अखिल नेगी की ड्यूटी के दौरान निधन होने की सूचना प्राप्त हुई। अखिल नेगी उदयपुर राजस्थान में कार्यरत थे, जहां ड्यूटी के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। अखिल नेगी की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अखिल ने मूल रूप से पौड़ी जनपद के बौरीखाल ब्लॉक के अपने ननिहाल ग्राम से पढ़ाई की और आर्मी के लिए तैयारी की थी, जिसके बाद उनका चयन गढ़वाल राइफल में हुआ था। उनकी असमय मृत्यु के समाचार से बौरीखाल क्षेत्र में शोक की लहर है। पौड़ी जिले में अग्निवीर भर्ती के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के दौरान एसडीएम पौड़ी और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के बीच किस बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एसडीएम की तहरीर पर युवक के खिलाफ पौड़ी कोतवाली मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं युवक और एसडीएम की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम युवक को मारने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, खानपुर के विधायक उमेश कुमार, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियान ने सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल कर प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों कोटद्वार में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती हो रही है, जिसके लिए पौड़ी तहसील में अभ्यर्थी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र में हो रही देरी की सूचना किसी ने पौड़ी परिसर के छात्र नेता और यूथ कांग्रेस नितिन बिष्ट को दी। नितिन ने बताया कि जब उन्होंने देरी के संदर्भ में अधिकारियों से बात की तो वहां एसडीएम आए और उन्होंने उनके साथ अभद्रता की। वहीं कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट भी की है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। का कारण हमारा युवा था, अब हमारे युवाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। उस विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई, आपको जैसे विदित होगा कि ये हमारे 23 तारीख को पौड़ी जनपद की कोरदार में अग्निवीर की भर्ती है, अग्निवीर की भर्ती तो हमारे पौड़ी जिले के कई युवाओं ने 12 तारीख से आवेदन करे हुए थे। 12 तारीख से आवेदन करने के बाद भी कल 8 बजे तक उनको उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था। इसी सवाल को उठाते हुए मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात करी, तो अधिकारियों से बात होने के बाद मैं भी उनकी बात को समझाई, उनने कहा कि हम काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके काम में आजकल अग्निवीर जो भर्ती चल रही है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में, उस संबंध में काफ़ी भारी संख्या में हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और अपने चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे पास 5,000 अभ्यर्थी यहाँ पर तहसील परिसर में थे अपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वो कल प्रातः 9 बजे से रात के 1 बजे तक हम सर्टिफिकेट प्रिंटिंग कर रहे थे। और एक व्यक्ति जो अपने आप को श्री नितिन बिष्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत दिनेशपुर पुलिस ने लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण 5,000 लीटर लहन नष्ट किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनेशपुर के नवनियुक्त थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय अपनी टीम के साथ जयनगर नंबर 1 के नदी किनारे झाड़ियों में कई जगह छापेमारी की, जिसमें कच्ची शराब के जखीरे पकड़े गए हैं। लगभग 200 लीटर कच्ची शराब, 5,000 लीटर लहन और कई सारे शराब बनाने वाले सामग्री बरामद की गई। साथ ही आरोपी आकाश को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय का कहना है कि हमारे मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में नशा मुक्त करना है और इसी वजह से लगातार हम सर्च अभियान चला रहे हैं।
अमेठी के शिवगंज में तेज रफ्तार के कारण दो ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में दोनों ड्राइवर एक हालसी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। उधर बलरामपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां हापुड़ कोर्ट कांड जैसी वारदात हो सकती थी। मामला जरवा थाने का है, जहां पुलिस ने जीप में पीड़िता को लावारिस हालत में छोड़ दिया। कोर्ट के बाहर अकेले पुलिस जीप में बैठी पीड़िता का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले पीड़िता का पुलिस कोर्ट में बयान दर्ज करवाने लगी थी, लेकिन पीड़िता की सुरक्षा के लिए आए पुलिसकर्मी जीप से नदारद दिखे। ऐसे में पीड़िता के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। एटा के आगरा रोड पर बासवा गांव में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटने से दो किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि सभी श्रद्धालु मथुरा के वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में चालक को नींद आने के कारण ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, जिससे हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर में 35 से 40 लोग सवार थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे एसडीएम सदर शिव कुमार सिंह और कोतवाली देहात प्रभारी जगदीश चंद ने घायलों को देखा। पुलिस ने खाई में गिरे ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।